इसलकम स्टूडेंट्स इस कोर्स में बारहा हमने बात की अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट इम्पैक्ट अबाउट सोशल इम्पेक्ट अबाउट इम्पेक्ट दैट चेंजेस द वर्ल्ड फॉर बेटर एक ऐसा तो असर छोड़ना जिससे दुनिया जो है वो पहले से बेहतर हो जाए बदल जाए इस तरह के लोगों की जिंदगियाँ बेहतर हो जाए और जितनी दफ़ा हमने ये बात की साथ हमने ये बात भी की कि इस इम्पेक्ट को मेजर करना जो है ये एक चैलेंज है अगरचे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में बहुत डेवलपमेंट हो गई है पिछले बीस एक सालों में लेकिन अभी भी देयर इज़ अ स्ट्रगल देयर इज़ अ कांस्टेंट चैलेंज उसमें सबसे पहले जो है वो तो डाटा की डाटा तक पहुंच और उसकी अवेलेबलिटी है उसकी एक्सेसिबिलिटी है सोशल एंटरप्रेन्योर्स अपने छोटे छोटे साइलों में काम कर रहे हैं वो इतने पैशनेट इतने कमिटेड हैं कि उन्हें नाप तोल का ख्याल ही नहीं आता वो बस अपने पर्पस को अचीव करने के लिए अपने मिशन को कम्प्लीट करने में लगे हुए हैं और ऐसे में बहुत सारी नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रह जाती है जिसका एक नतीजा ये होता है कि जब इम्पेक्ट को मेजर करने की क्वांटिफाई करने की बात आती है तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स के पास डेटा नहीं होता और वो लोग जो एवेलेशन करते हैं या इम्पेक्ट को मेजर करते हैं वो एक तरह से मुश्किल में पड़ जाते हैं कि क्या एविडेंस है क्या डाटा है किस तरह से तय किया जाए कि इम्पेक्ट है ऑफ खास तौर पर इसलिए भी कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया इसके जो इश्यूज हैं वो अमूमन मेजरेबल और क्वान्टिफाइबल नहीं होते हम लोगों की जो आ, आ, बेहतर मैार ज़िंदगी है उसके हवाले से उनके जहनी सुकून के हवाले से उनको मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से उनका शौर बेहतर होने के हवाले से कैसे मयर कर सकते हैं सोशल एंटरप्रन्यरशिप का लिटरेचर जो है उसमें मुसलसल एक कोशिश हो रही है कि किस तरह से कोई ऐसे टूल्स जो हैं वो डेवलप किए जाएं, जिनके ज़रिए से इस इम्पेक्ट को मैजर किया जा सके इम्पेक्ट की मज़रमेंट ज़रूरी है ना सिर्फ इसलिए के उस एफर्ट को एक्नॉलेज किया जा सके जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं दुनिया को बेहतर बनाने के लिए बल्कि ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है सोशल सेक्टर में ख़ासतौर पर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं डोनर्स हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स हैं इंक्रीजिंगली दे आर डिमांडिंग के सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इम्पेक्ट को डिमॉन्सट्रेट करें साबित करें कि जो इनिशिएटिव वो ले रहे हैं उससे बेहतरी आई है इम्पेक्ट हुआ है क्योंकि वो अपनी फंडिंग जो है जैसे अशोका है जैसे क्यूमन फंड है या जैसे ग्रामीण है ऑफ कोर्स उन्हें अगली दफ़ा फंडिंग करते हुए देखने की ज़रूरत है कि पिछली फंडिंग कहाँ इस्तेमाल हुई ग्रामीण बैंक जैसी सिचुएशंस में क्योंकि वही फंड्स हैं जो बार बार सर्कुलेट होते हैं तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं लेकिन जो इंटरनेशनल रिच कंट्री डोनर्स हैं उनके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो जो डोनेशन और फंडिंग है वो टैक्स पेयर मनी में से बाजुकात आ रही होती है और उनके जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं टैक्स पेयर्स हैं वो डिमांड करते हैं वो जानना चाहते हैं कि उनकी टैक्स मनी जो है वो कहाँ पर ख़र्च हुई उससे किन लोगों को क्या फ़ायदा हुआ तो सोशल इम्पेक्ट मेजरमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है हमने पिछले कुछ मॉड्यूल्स में कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स जो हैं उनका ज़िक्र किया कुछ को मैं यहाँ पर रिपीट करूँगी कुछ और जो हैं उनको मैं मेंशन करूँगी फॉर एग्जांपल कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस है कि कितना फ़ंड कितनी इन्वेस्टमेंट की गई थी और उस वो कितनी इफ़ेक्टिव साबित हुई है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सी जो है बिजनेस की टर्म में किया जाता है कितने पैसों में कौन सी सर्विस दी गई और उससे क्या बेनिफिट आया या क्या रिटर्न आया और इसके अलावा सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो तो हर स्ट्रेटेजिक प्लान का सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में लाजमी हिस्सा है ये डिमॉन्सट्रेट करने के लिए कि इट्स प्रैक्टिकल ये हो सकता है इससे फ़र्क पड़ेगा तो वो जो सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये एक ऐसा टूल है जो हर स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा है खास सर्विस जो है वो टेंजबल हो या इनटेंजिबल हो जैसे अवेयरनेस जैसे कॉन्शियसनेस रेजिंग जैसे एडवोकेसी ये वो सर्विसेज हैं जो टेंजिबल नहीं होती लेकिन इनके हवाले से सोशल रिटर्न आता है लोगों की सोशल लाइफ में बेहतरी आती है तो ये टूल है इसी तरह अब कुछ जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बेस्ट ऑप्शन चैरिटेबल रेशो की बात करना शुरू कर दी है कि किस चैरिटेबल ऑप्शन पर वो खर्च करें तो क्या रेशो होगी उसके इम्पेक्ट की फॉर एग्जांपल अगर वो बच्चियों की तालीम पर ख़र्च करते हैं इन्वेस्ट करते हैं वज़ा भी वो किसी एक्सक्लूडेड कम्युनिटी ट्रांसजेंडर या किसी और के हकूक़ के लिए एडवोकेसी पर ख़र्च करते हैं तो रेशो क्या होगी किसकी बेहतर है सोशल इम्पेक्ट की और जाहिर है उन्हें ये हार्ड डिसीजंस करना होते हैं कि उनकी जो लिमिटेड हार्ड एंड इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ कॉज के लिए जाएगी देर आर सो मैनी कॉजेज अराउंड देयर एंड देर आर सो मैनी पीपल सोशल एंटरप्रन आउट देयर जो कि मुख्तफ एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स एंड देर इज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अवेलेबल तो इसलिए सोशल इम्पेक्ट को मेजर करना जो है वो ज़रूरी है थैंक यू